मैंने तो सोचा ये कोई इंडियन गाना है, ये तो इंडियन गाना सुना हूं मैंने। मास्टरपीस बना हुआ पाकिस्तान की तरफ से, आप फिर भी अच्छी तरह कॉपी नहीं कर पाए। यू स्टिल कुड नॉट बीट देम, यू यूज़लेस। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड डे। तो आजकल भाई साहब रोज रोज मुंह लगाते हो रही है, क्योंकि आजकल चला है अपनी नाइट शिफ्ट और दिन में कर रहे हैं रिएक्शन, तो आजकल अपने भाई भी दिन में फ्री होते हैं। तो चलिए आज गाना सुनते हैं कोक स्टूडियो 14 का, जिसका नाम है पसूड़ी, जिसको कहते हैं पसूड़ी पैकेज। तो इसको गाए है अली सेठी और हैं शेगिल। तो अली सेठी कौन है भाई? ओके, सो अली सेठी फ्रॉम लाहौर, ही बोर्न इन लाहौर, ही इज नाउ 39 ईयर ओल्ड एंड सिबलिंग मीरा सेठी और पेरेंट्स इज नजम सेठी। एक मिनट रुको, नजम सेठी वही तो नहीं है जो एक जर्नलिस्ट हैं जिनके पास चिड़िया होती है, बोलते कि चिड़िया की खबर लाया हूँ। यस, सो नजम सेठी। तो ये हैं सिटीजन ऑफ पाकिस्तान एंड यूनाइटेड स्टेट, और साथ में हैं शेगिल भी लाहौर से हैं। शी इज यंग गर्ल, 1999 एम, पाकिस्तान नेशनलिटी एंड पढ़े हैं सीसी कॉलेज लाहौर से। चलो यार, पसूड़ी एक बड़े कॉमन सा वर्ड है, जब लोग बात करते हैं कोई बात ना हो अच्छी या कुछ बिगड़ जाए तो बोलते हैं पसूड़ी पड़ गई। तो मैं आपको रात की पसूड़ी बताता हूँ क्या हुआ मेरे साथ। I was just went to one of the patients and he was a really sick guy and he had lots of bronchial pneumonia, had a history of Parkinson, so many things. Okay, anyway, so I went to his bed and his family member around him, and as soon they saw me and I say all of them just together, two people say hello, and I just hello namaskar. I say shit, this is not a reaction, mate. Okay, so they must be thinking this guy looks like sick. This guy is not well. Chalo. एक छोटा सा इंसिडेंट था। तो पसूड़ी मेरे को दिमाग में लगा रही, यार ये सोच रहे होंगे ये बंदा अपने को क्या फिक्स करेगा, खुद ही कुछ अजीब बातें कर रहा है। तो स्टार्ट करते हैं यार पसूड़ी, फिर बाद में बात करते हैं। कोक स्टूडियो सीजन 14। ओके, साड़ी में आया तो आई थिंक सिंध का होगा, सब टाइटल कर लेते हैं। मैंने तो सोचा ये कोई इंडियन गाना है, ये तो इंडियन गाना सुना हूं मैंने। You have copied. पसूड़ी चोट ये मैंने पूरा गाना सुना हुआ यार, पता नहीं ये पाकिस्तान सॉन्ग है। काम था, enjoy the original work. छोटे छोटे एलिमेंट डाले थे, वाह ताजी वाह। वाह
दिस इज द गोल्ड। बॉलीवुड वालों, अगर कॉपी किया था तो कोई ढंग से कर लेते। इतना डिफरेंस है आपके। एक जो एक मूवी आई था एक पिछले साल, कार्तिक आर्यन का था, थिंक कथा थी समथिंग नाउ, तो मुझे लग वो गाना, ये गाना मैंने बहुत सारे रील्स में भी देखा हुआ, बहुत सारे सुना हुआ, और मुझे लगता था कि ये गाना इंडियन गाना है। पर भाई आपने, मैं बोलता हूँ कि पसूड़ी चोर हो आप, अगर आपने कॉपी भी किया तो इतने आप फिर भी एक मास्टरपीस बना हुआ पाकिस्तान की तरफ से, आप फिर भी अच्छी तरह कॉपी नहीं कर पाए। यू स्टिल कुड नॉट बीट देम, यू यूजलेस। अभी मेरे को गुस्सा आ रहा, पता नहीं यार, मैंने गाना भी ढंग से नहीं सुना, क्योंकि मेरे को बीच में वैसे ही अजीब लग रहा था कि मैंने गाना एक पहले सुना हुआ। मेरे हिसाब से, मेरे को आज तक लगता था एक साल से कि ये गाना इंडियन गाना है, पर ये तो भाई पाकिस्तान का गाना पसूड़ी। भाई सारे चप्पल चोर, अरे पसूड़ी चोर, पसूड़ी तोपड़ी बना लेते यार, लड़ देता रहते भी। चलो यार गाने की बात करते हैं, शौक दे दिया अभी तक। चलो चलो भाई, मैं कोई रिव्यू नहीं है इस गाने में, कोई रिव्यू नहीं है भाई कि ये जिस दिस इज डिफरेंट। मैं बोल सकता हूँ कि क्योंकि मैंने वो इंडियन गाना ये एग्जैक्ट सेम सुना, वो सेम मैंने, वो मेरे को बहुत अच्छा लगा उस टाइम भी गाना मैंने, तो अब इसके बारे में क्या। ये तो ओरिजिनल है यार, ओरिजिनल के ऊपर तुम क्या करोगे। बस जिन्होंने जुल्फी भाई ने ये बनाया, जिसमें एक थोड़ी थोड़ी एलिमेंट यूज़ कर देता हूँ मैं, थोड़ी सी अपनी एक भावना बताता हूँ जो इस वीडियो में देखी है। जिन्होंने भी वीडियो एडिटिंग कर रहा हूँ, जिन्होंने भी इसकी वीडियो बनाई है, जो छोटे छोटे इंसानों के हिसाब से, बंदों की ना जो एंट्री कराई है ना, वो बहुत प्यारी लगी है इसमें। और यार मेरी तरफ से कोई इसके ऊपर कोई रिएक्शन नहीं है, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि मैं कुछ नहीं बोल सकता। दिस इज ब्रिलियंट यार, ब्रिलियंट, क्योंकि प्रोडक्शन में देखे तो जुल्फी भाई की, प्रोडक्शन जुल्फी भाई की होगी ऑफकोर्स, और लिखा किसने इनको, तो इन्होंने जो सिंगर, उन्होंने खुद ही लिखा लेने। ब्लडी हेल, अरे यार आज दिन ही अच्छा नहीं है, रात भी अच्छी नहीं थी, रात भी ऐसा फुल ऑन था मेरा। चलो भाई यार, आप अगर पता नहीं, आप देख लेना इसको अगर जो मैंने बनाया, क्योंकि मैंने, मेरे को ऐसा लग रहा कि मैं, मतलब आज मैं पूरे एक्साइटमेंट में उठे थे, मैं दोपहर को उठाई ना, तो मैं कहा चलो आज भाई आए तो बोलते पसूड़ी। तो मुझे पता होता कि ये पाकिस्तानी गाना है और इंडियन ने निकाल चुके और मैं सुन चुका, तो मैं उसके ऊपर कभी भी ना करता। पर चलो यार, मेरे लिए एक थोड़ी सी आई ओपनिंग हुई कि ये गाना ओरिजिनल मास्टरपीस जो था पाकिस्तान से था, और जुल्फी भाई की और अली भाई ने स्कूल कंपोज और लिखा है साथ में, बहुत अच्छा लगा। पर मैं लास्ट में एक और बात फिर बोलता दोबारा कि यार बॉलीवुड वालों, दिल कहता गोबर में झाड़ू डुबो के मारो उनको। बनी बनाई चीज, एक अच्छे ढंग से बनाई चीज, आपसे वो भी ढंग से नहीं हुई, मर जो, सफोकेट हो कहीं ऐसे बैठ जाओ कहीं।
मैं यार मेरे से नहीं होता, मैं बस चलो यार, चलो जैसा भी अब क्या कर सकते भाई, अब कहीं दूर से ले आते, चोरी करना, चोरी पता नहीं यार कॉपीराइट दिया होगा नहीं दिया, अगर मोस्टली आप कहीं ना कहीं से ले आते हैं, कोरियन का कर लेते कॉपी, यही गाना करना था, स्पेशली जो एक वेल क्राफ्ट और बहुत ही अच्छा निकला हुआ सॉन्ग, उसको भी मुझे लगता था वो बहुत ही प्यारा सॉन्ग बनाया यार, बहुत प्यारा सॉन्ग बनाया। अब ये देख कर लग रहा है कि वो कॉपी होने के बाद भी तुमसे नहीं बना, कॉपी तुमने किया, सब कुछ दिया, पाकिस्तान म्यूजिक इंडस्ट्री ने आपको एक बना बनाया, एक एंटिक पीस दिया, एक नया एक विजन दिया म्यूजिक का कि दिस इज द लेवल, एंड यू कुड नॉट कम्पीट, स्टिल कुड नॉट कम्पीट। चलो यार अब पता नहीं ये क्या है, पर आई डोंट नो आज ये रिएक्शन है कि चलो यार, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे हैप्पी, आई विल सी यू ऑन नेक्स्ट वीडियो, बाय। अगली बार क्या, अगली बार यार, चलो यार, से हैप्पी फॉर पाकिस्तान म्यूजिक इंडस्ट्री, और जसवी भाई को बहुत बहुत सलाम और सलूट मेरी तरफ से, भाई आपने जो भी कर दिया है वो शायद मेरे जैसे लोगों के और मेरे अगली जनरेशन के लिए भी एक नया बेंचमार्क बना दिया आपने म्यूजिक में। तो चलो यार, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे हैप्पी, आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो, और पता नहीं भाई आप देख लेना जैसा आपको लगा, मैंने तो खुद ही मैं उसमें हूँ अभी, तो मैं क्या बोलेगा इसमें। चलो यार, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे हैप्पी, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।